गुड मॉर्निंग क्लास एट। आज हम जीके का चैप्टर नंबर 58 देखेंगे, इम्प्रूव योर मेंटल स्किल्स। इसमें से ये आप फिल कर लेना अपनी बुक में ही, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 54, ब्रेन टीजर चैप्टर है। क्वेश्चन आंसर है ये तो। फर्स्ट है, क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, अरेंज दी सिक्स मैथमेटिक्स इन सच अ वे दैट दे मेक अ वर्ड मीन्स विच मीन्स नथिंग। इन सबको अरेंज करके एक वर्ड बनाना है, ठीक है। ये आप अपने आप कर लेना। इफ अ कार इज टू अ ड्राइवर देन एन एरोप्लेन इज टू पायलट, अ डॉग इज टू नील एज अ बर्ड इज टू नेस्ट। फोर्थ भी पजल बेस है, इसमें से मीनिंगफुल वर्ड निकालना है, मैसेज है इसमें। लुक एट द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स नंबर्स सिंबल्स। कुछ लेटर्स नंबर्स और सिंबल्स का अरेंजमेंट्स दे रखा है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसे आपको फिल करने हैं। हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमिडिएटली प्रिसीड बाय अ न्यूमेरियल एंड ऑल्सो इमिडिएट फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। मतलब ऐसा सिंबल देखना है जिसके नंबर और कॉन्सोनेंट दोनों फॉलो करते हो। कौन सा है? फर्स्ट है डॉलर और सेकंड है परसेंटेज। इसे नंबर भी फॉलो कर रहा है और कॉन्सोनेंट भी। इसे भी नंबर फॉलो कर रहा है और कॉन्सोनेंट भी, यानी कि टू है। नेक्स्ट है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक अ सर्टेन वे ऑन द बेसिक ऑफ देयर पोजिशन इन द अबव अरेंजमेंट विच इज दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। इन ग्रुप्स के जो हटकर है उसे देखना है। जे स्टार डी, तो इसमें देखोगे जे एक छोड़ के स्टार डी, क्यू सेवन आर सेम है। थ्री सिक्स पी, ये अरेंजमेंट अलग है। नेक्स्ट देखते हैं बी एम परसेंटेज। बी एम परसेंटेज ये फर्स्ट बी सेकंड और डी था फोर्थ जो है सेम है, सी वाला जो है डिफरेंट है, यानी कि सी इसका आंसर। ऐसे सिक्स सेवन तो माइंड सेट गेम्स है। एट है, इफ सन मीन्स मून, मून मीन्स स्काई, यानी कि सन को हम मून कहें और मून को स्काई कहें, स्काई को क्या कहें? क्लाउड कहें। क्लाउड मीन्स रेन एंड रेन मीन्स सन। देन वेयर डू द बर्ड फ्लाई, बर्ड कहाँ फ्लाई करती है? स्काई में। तो स्काई को